अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं आज आपको माडागास्कर में एंटानानारिवो, ये जो इसकी कैपिटल है, हम आज इधर हैं। और ये मेरे साथ मेरे ड्राइवर हैं, ये मेरे साथ, ये 9 दिन जितनी देर मैं यहाँ पर रहूँगा मेरे साथ रहेंगे, और मेरे साथ मेरी ट्रांसलेटर, ये मुझे ट्रांसलेट करती है, और साथ साथ ये मेरी गाइड भी है। से हाय। ओके, तो ये मुझे गाइड भी करेगी ये 10 दिन, और इनको मुझे पे भी करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो फिलहाल आज हम इधर ताना बोलते हैं इसको, एंटानानारिवो को शॉर्ट फॉर्म में ताना बोलते हैं। फिलहाल आज हम इधर हैं। कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि हम मुझे श्रीनगर की फीलिंग आती है, क्योंकि रोड्स उसी तरह के कैसे यहाँ पे बनाए गए हैं और इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। बट यस, हमारा जो श्रीनगर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है इससे। ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और बहुत गरीब कंट्री है, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा है देखने को कि एक नया कल्चर देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ बात करके, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं यहाँ पर। और अभी हम इसके बाद बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, लेकिन आज मेरा एक ऑफिशियल विजिट था, एक कंपनी में मेरी मुलाकात थी एक बंदे के साथ, वो ऑलरेडी हो चुकी है फिलहाल। लेकिन अभी मैं एक सिम कार्ड लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि 9 दिन तक जब तक मुझे डाटा चाहिए यहाँ पर ये यूज़ करने के लिए, तो उसी सिलसिले में अभी हम जा रहे हैं सिम कार्ड के लिए। ये माया जो मेरे साथ मेरी गाइड है, वो मुझे दिखाएगी कि सिम कार्ड कहाँ से लेना है। फिलहाल हम यहाँ एंटानानारिवो में अभी घूम रहे हैं, और अभी हम इसके बाद भी देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन फिलहाल सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को तो श्रीनगर के जैसा लग रहा है, जैसा मैंने आपको कल रात को बताया था कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, मतलब एम्बेसडर के टाइप की जो गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी वैसी वाली गाड़ियाँ दिखने को मिल रही है माडागास्कर में। तो ये यहाँ का मार्केट है। और यहाँ पे दे वॉन्ट मी टू गेट अ सिम कार्ड एज सून एज पॉसिबल, दैट्स वाई आई हैव टू गेट अ सिम कार्ड, सो वी विल चेक। तो अब हम सिम कार्ड लेने जा रहे हैं फिलहाल। तो अभी यहाँ पर मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने पासपोर्ट वगैरह दे दिया है, तो इसका सिम कार्ड ये लोग इशू करेंगे। फिलहाल मुझे डेटा चेक करना है कितना होगा।